होटल राजमहल एपिसोड 88 आदेश या छलावा। दिलीप की आत्मा ने विशाल की गर्दन पर तलवार रख दी और उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग करने ही वाला था कि तभी दिव्या जोर से चिल्लाते हुए विशाल के पास भागती है। नहीं विशाल नहीं। दिव्या ने अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटाते हुए विशाल के हाथ से वो तलवार खींचकर नीचे जमीन पर फेंक दी। ये देखते ही दिलीप की आत्मा जोर से गुस्से में चिल्लाई और उसने दिव्या को हवा में ऊपर तक उछालकर दूर पटक दिया। दिव्या दर्द में तड़पने लगी और उसे लगा जैसे शायद आज उसका और विशाल का जिंदगी का आखिरी दिन है। वहीं दिलीप ने विशाल के शरीर पर काबू करते हुए उसके सिर को दीवार पर जोर से दे मारा और अगले ही पल विशाल के सर से खून की धारा बहने लगी और वो दर्द में तड़पता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया। दिव्या। वहीं कुछ देर बाद विशाल लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं अब अपनी तपस्या को और भी मजबूत कर दूंगा। अब मैं इस नौजवान लड़के की बलि दूंगा। माँ माँ मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूं। इसकी बलि स्वीकार कर माँ। इतना कहते ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और ना जाने कहां से एक रस्सी का फंदा लटकते हुए उसके सामने आ गया। ये सब देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी भी कीमत पर विशाल को मरने नहीं दे सकती। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और विशाल के पास पहुंचकर अपने दोनों हाथों से उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगी, मगर विशाल ने लात मारकर उसे एक तरफ धकेल दिया। आज वो ईश्वर भी मुझे मेरी तपस्या पूरी करने से नहीं रोक सकता। तो आखिर तुम तुच्छ इंसान कौन हो? मां की कृपा सब पर बनी रहे। इतना कहते ही दिलीप ने वो रस्सी का फंदा विशाल के गले में लटका दिया। विशाल! विशाल के अंदर इस वक्त जो दिलीप की आत्मा मौजूद है उसने पूरी तरह से विशाल के वजूद को अपने काबू में कर लिया है, जिस वजह से विशाल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। वहीं दिलीप की आत्मा मौत बनकर विशाल के ठीक सामने खड़ी है। दिलीप ने उसे जगह जगह इतने जख्म दिए हैं कि उसका पूरा शरीर खून से नहाया हुआ है। दिव्या ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है, जल्दी है। एक आवाज पूरे होटल राजमहल में गूंज उठी। तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल में सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। दादाजी के मंत्र उच्चारण के अलावा वहां पर किसी पत्ते तक के हिलने की आवाज नहीं आ रही। तभी अचानक से सीढ़ियों से किसी के उतरने की ठक ठक आवाज आने लगी। दिलीप भी अपनी जगह पर रुक गया और दिव्या भी हैरानी से उस ओर देखने लगी। सीढ़ियों से मल्लिका नीचे उतर कर आ रही है। उसने हाई हील्स पहनी हुई हैं और रेड कलर के ट्रांसपेरेंट गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है जिसे देखकर कोई भी इंसान अपने होश खो बैठे। नीचे उतरते हुए उसने विशाल की तरफ देखा जिसके अंदर दिलीप की आत्मा है और प्यार से कहा, क्या हुआ विशाल? तुम अभी से अपनी जान क्यों देना चाहते हो? क्या तुम मुझे इसी तरह से अकेले छोड़कर चले जाओगे? उसका सवाल सुनकर दिलीप की आंखें गुस्से से लाल हो उठी और उसने चिल्लाकर कहा, दिलीप हूं मैं और आज इस विशाल की जान मैं लेकर रहूंगा। तुम जैसी कोई आत्मा मुझे मेरी तपस्या पूरी करने से नहीं रोक सकती। ये सुनते ही मल्लिका के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से में बदल गया। उसके पूरे चेहरे से चमड़ी का नामो निशान गायब हो गया और जगह जगह से मांस के लोथड़े लटकने लगे। उसकी आंखें पूरी काली हो गई, जैसे उसकी आंखें हो ही नहीं। उसके चेहरे ने एक झटके में भयानक रूप ले लिया। क्या कहा? क्या कहा?
मल्लिका की आवाज तेज होती चली गई और उसके चीखते ही होटल राजमहल की सारी खिड़कियों के कांच एक जोर की झमाक की आवाज के साथ एक झटके में टूट गए। दिव्या को ऐसा लगा जैसे उसके कानों से खून निकल आएगा, इसलिए उसने तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लिया। इन सब के बीच दादाजी बिना किसी रुकावट के अपने मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हैं। अचानक से पूरे आसमान में काले बादल छा गए और तेजी से बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। पूरे होटल में गहरा काला स्याह अंधेरा छा गया और सिर्फ बिजली के कड़कने की रोशनी अंदर आने लगी। मल्लिका गुस्से से गरजती हुई सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आने लगी। उस रोशनी में उसके आसपास ढेर सारे लोग नजर आ रहे हैं, मगर उस रोशनी के गायब होते ही वो लोग भी अपने आप गायब हो जाते हैं। मल्लिका की सांसों की आवाज पूरे होटल राजमहल में गूंज रही है और तभी होटल की दीवारों से किसी के दर्द में रोने और बिलखने की आवाज आने लगती है। दिव्या हैरानी से अपने आसपास देख रही है, मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा। मल्लिका की नजरें सिर्फ और सिर्फ विशाल पर टिकी है, जिसके अंदर दिलीप की आत्मा घुसी हुई है। दिव्या को समझ में नहीं आ रहा कि मल्लिका क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरे ही होटल में आकर मुझे ही नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। इतना कहते ही मल्लिका ने अपना चेहरा घुमाया और अपनी नजर टेबल पर रखे हुए एक फ्लावर वेस पर डाली और वो फ्लावर वेस तुरंत उड़ते हुए विशाल की तरफ जाने लगा। विशाल के अंदर छुपे हुए दिलीप ने तुरंत अपने हाथों को आगे बढ़ाकर चुटकियों में वो फ्लावर वेस तोड़ दिया। ए लड़की, मैं अब भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ इस लड़के से है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। दिलीप ने चिल्लाते हुए मल्लिका को वहां से जाने के लिए कहा, मगर उसकी बातों ने मल्लिका के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। मल्लिका ने तुरंत एक नजर दीवार पर टंगी हुई तलवार पर डाली और वो तलवार अपने आप हवा की रफ्तार से उड़ते हुए विशाल की तरफ जाने लगी। मगर इससे पहले कि वो विशाल को छू पाती, दिव्या की चीखती हुई आवाज मल्लिका के कानों में पड़ी, नहीं रुक जाओ, तुम दिलीप के साथ जो कुछ भी करोगी वो विशाल के साथ होगा, शरीर तो विशाल का ही है ना, तुम ये सारे जख्म विशाल को दे रही हो। दिव्या की बात सुनकर मल्लिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने दिलीप की तरफ देखते हुए दिव्या से कहा, चिंता मत करो, मैं विशाल को कुछ भी नहीं होने दूंगी, मगर इस दिलीप को मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर इसे लगता है कि विशाल के शरीर का इस्तेमाल करके ये मुझे हरा देगा, तो ये भूल रहा है कि मैं इस होटल राजमहल की मालकिन हूँ और ये कभी चाहकर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मल्लिका के इतना बोलते ही वो तलवारें एक बार फिर उड़ती हुई विशाल की तरफ जाने लगी और उसके दोनों हाथों को जख्मी करते हुए निकल गई। एक बार फिर दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाज पूरे होटल में गूंज उठी, मगर इस बार वो आवाज विशाल की नहीं बल्कि दिलीप की है। दिव्या हैरानी से दिलीप की तरफ देखने लगी, उसे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर विशाल के शरीर से दिलीप को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। मगर मल्लिका के चेहरे पर जीत के पहले पड़ाव का सुकून साफ नजर आ रहा है। मैं तुमसे लड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, दिलीप ने गुस्से से गरजते हुए कहा और वो तुरंत भागते हुए मल्लिका की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो मल्लिका के पास पहुंचा, तभी मल्लिका ने धीरे से फूंक मारी और दिलीप विशाल के शरीर से उड़ता हुआ पीछे दीवार पर जा गिरा। उसका पूरा शरीर दर्द से कांपने लगा और गुस्से में उसकी आंखें और भी लाल हो गई। गुस्से से तमतमाता हुआ वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ
और मल्लिका की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल में सब कुछ शांत हो गया। दिव्या ने देखा कि होटल राजमहल में एक बार फिर हल्की रोशनी फैल गई है और अब वहां पर किसी के चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही, मगर दिलीप और मल्लिका के ऊपर अपने आसपास के माहौल का कोई असर नहीं पड़ रहा। वो दोनों नफरत की आग में बौखलाए हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं कि तभी अचानक से एक आवाज उनके कानों में आई, दिलीप, दिलीप, रुक जाओ, रुक जाओ। उस आवाज को सुनते ही दिलीप के हाव भाव बदल गए और उसके बढ़ते हुए कदम अपनी ही जगह पर रुक गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि क्या ये वही आवाज है जिसे उसने पिछले तकरीबन 10 सालों से नहीं सुना था। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो दादाजी ने अपनी पूजा बंद कर दी थी और उनकी पूजा के बीचों बीच स्वास्तिक के पास एक औरत खड़ी है जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसने अपने बालों का जूड़ा बांधा हुआ है और उसके माथे पर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अशांति है और आंखों में बेचैनी। सुमित्रा देवी को वहां पर देखकर दिलीप को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से बर्ताव करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके सारे शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। ये सब तुम क्या कर रहे हो दिलीप? सुमित्रा देवी ने आराम से दिलीप से कहा। अपनी मां की आवाज सुनकर दिलीप ने तुरंत विशाल के शरीर को छोड़ दिया और वो शरीर से अलग होकर खड़ा हो गया। वो अभी भी हैरान आंखों से अपनी मां की तरफ ही देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दिलीप ने विशाल के शरीर को छोड़ा, विशाल बेजान हालत में नीचे जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। विशाल! विशाल को इस हालत में देखकर दिव्या तुरंत उसके पास पहुंच गई। उसने विशाल को उसके कंधों से सहारा देते हुए नीचे जमीन पर बैठाया। माँ, आप आ गई माँ, आखिर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो ही गई माँ, आखिर आपने अपने बेटे से मिलने का फैसला किया माँ। मुझे पता था कि आप अपने बेटे से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगी, मैं जानता था कि आप मेरे पास जरूर आएंगी। आज दिलीप के चेहरे पर एक सुकून है और उसके होठों पर मुस्कान। तभी अचानक से वहां पर तोमर परिवार के बाकी लोग भी आ गए। वो सब लोग बेबस आंखों से सुमित्रा देवी की तरफ देख रहे हैं, मगर किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। अनुराधा, अनुराधा देखो, मैं कहा करता था ना कि माँ हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगी। देखो अनुराधा, माँ आ गई, और तुम सब लोग भी देख लो, माँ ने हमारी तपस्या को स्वीकार कर लिया। उसने घर के सब लोगों से कहा, मगर किसी ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कैसी तपस्या दिलीप? किस तपस्या की बात कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कौन सी तपस्या करने के लिए कहा था? सुमित्रा देवी ने दिलीप की तरफ देखकर उससे सवाल पूछा। माँ, वो हमारी, दिलीप ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, सुमित्रा देवी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें कोई तपस्या करने के लिए नहीं बोला था दिलीप, मैंने तुम्हें कोई आदेश नहीं दिया था, ये सब तुम्हारे मन का वहम था और कुछ नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर दिलीप को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ उसकी माँ कह रही है। माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? आप ही तो रोज मुझे आदेश देकर घर के सब लोगों को रहन सहन सिखाया करती थी, आप ही के आशीर्वाद से तो मोनिका का इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ, आपके ही आशीर्वाद से तो हमारा काम और बच्चों की पढ़ाई भी इतनी अच्छी तरह से चल रही थी। दिलीप ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की।
कौन सा रिश्ता, कौन सा रिश्ता, कौन सी पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई। मेरी मृत्यु के बाद मैंने कभी अपने घर के किसी भी इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखा, ताल्लुक नहीं रखा। मैंने कभी तुम्हारे द्वारा किसी को कोई आदेश नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। तुम घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे, और यही वजह थी कि मेरा तुमसे लगाव भी सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा। इसीलिए मेरे जाने का दुख भी तुम्हें ही सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा। मेरे जाने के दुख ने तुम्हें इतना लाचार और बेबस बना दिया कि तुम्हारे दिमाग ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर दी, शुरू कर दी। सुमित्रा देवी ने दिलीप की तरफ देखकर कहा, अब लेकिन माँ, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? दिलीप की आंखों में इस वक्त आंसू है। वो जिस माँ का इंतजार इतने सालों से कर रहा था, जिनके आदेश का पालन कर रहा था, आज उन्होंने ही उसे पागल कह दिया। अपने घर के बच्चों की तरफ देखो दिलीप, क्या तुम्हें याद है कि करण के पैदा होने पर तुम कितने ज्यादा खुश थे, ज्यादा खुश थे। क्या तुम्हें याद है कि मैं करण को कितना प्यार करती थी, मगर इसके बावजूद भी अपने मन के इस जंजाल में फंसकर तुमने अपने ही बेटे की जान ले ली, की जान ले ली। अरे बेटे तो क्या, बेटे तो तुमने तो अपने ही खुद के पिता को मार दिया, पिता को मार दिया। अपने पिता के साथ साथ तुमने मेरे पति की भी हत्या की है दिलीप, हत्या की है दिलीप। तुमने मेरे पूरे परिवार का खात्मा कर दिया दिलीप, कर दिया दिलीप। तुम्हारी वजह से आज हमारे वंश का नामो निशान मिट चुका है, मिट चुका है। हमारे परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। और इस सब की वजह मैं नहीं, बल्कि तुम हो, बल्कि तुम हो, तुम। और आज इतने साल बीत जाने के बाद जब ये सब लोग अपनी मुक्ति चाहते हैं, तो तुम इनमें से किसी को मुक्ति भी नहीं दिलाना चाहते, आखिर ये कैसी तपस्या हुई जिसमें एक इंसान जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी तड़पता रहे, भी तड़पता रहे। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या अपनी माँ की इन बातों से दिलीप को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा? क्या दिलीप के साथ साथ बाकी के परिवार के लोगों को मुक्ति मिल पाएगी, या दिलीप कोई नई चाल चलेगा जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी? क्या विशाल और दिव्या इन सभी आत्माओं को मुक्ति दिला पाएंगे या नहीं? जानने के लिए आपको सुनना होगा होटल राजमहल, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।